मैं अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिला झुंझुनू राजस्थान से उन अभ्यर्थियों का अभिनंदन व स्वागत करता हूँ जो ड्राइवर की भर्ती देखते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, अभी एट ड्राइविंग ऑप्टिकल काफ़ी डिफिकल्ट ड्राइविंग ऑप्टिकल होता है, उसकी तैयारी हम यहाँ पर अभ्यर्थियों को कराते हैं। टू व्हीकल्स वन टाइम वन ऑप्टिकल के अंदर किस प्रकार से क्लियर करता है, जिसमें फर्स्ट अभ्यर्थी जो है स्पीड एंड कंट्रोलिंग टेस्ट, सेकंड अभ्यर्थी कंट्रोलिंग टेस्ट एंड जजमेंटिंग टेस्ट की टेस्ट के अनुसार गाड़ी चलाता है। इस प्रकार का टेस्ट की तैयारी हम इसलिए करवाते हैं कि एक कुशल चालकता दक्षता प्रशिक्षण के अंदर अभ्यर्थियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना बहुत ही जरूरी है कि ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के क्षेत्र में अपनी गाड़ी को किस प्रकार से बैलेंसिंग करता है, सामने से आने वाली गाड़ी के अनुसार जो रोड या जो जजमेंट के अनुसार जो जैसा जैसा व्हीकल इजाज़त देता है उस प्रकार की जो है अपनी लेंथ को कवर करके किस हिसाब से चलते हैं, उसकी तैयारी जो हम यहाँ पर करवाते हैं। अभी एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के अंदर दो कैंडिडेट किस प्रकार से व्हीकल को जो है ऑप्टिकल के अंदर में इंटर करते हैं और इंटर करते हुए अपना फर्स्ट अभ्यर्थी स्पीड और सेकंड अभ्यर्थी बैलेंसिंग एंड जजमेंटिंग के अनुसार जो करता है, जैसे ही यहाँ पर कमांड मिलती है, कमांड मिलते ही फर्स्ट पार्किंग के अंदर जो है व्हीकल नंबर वन कैंडिडेट जैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ की लेंथ को बराबर छोड़ते हुए यहाँ पर गाड़ी को इंटर करता है, यहाँ से 30 डिग्री तक का जो है एंगल अंदर की तरफ एंड 70 डिग्री एंगल बाहर की तरफ दबा के रखता है, क्योंकि व्हीकल से जो है लेंथ ज़्यादा होती है, इसके लिए सेकंड में फिर भी यही करता है। जैसे फर्स्ट अभ्यर्थी यहाँ पर क्लियर करता है उस समय सेकंड अभ्यर्थी को कमांड मिलती है चलने की, सेकंड अभ्यर्थी जो कंट्रोलिंग के साथ यहाँ पर टेस्ट की जो रखता है ताकि बैलेंसिंग बढ़ाता अपने व्हीकल का, दूरी को कवर करके चलता है रोड एंड जैसे जैसे लेंथ और जजमेंट बना के चलता है कि मैं जो फर्स्ट अभ्यर्थी क्लियर गाड़ी करेगा उस अभ्यर्थी को उनके जो है उसके बाद में गाड़ी लेके जाऊंगा, जिस प्रकार से जो है टी और जो है सर्किल के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होने के चांस सर्किल पे होते हैं, क्योंकि सर्किल के अंदर ना हम जो है क्रॉस कर पाते हैं एक दूसरे व्हीकल को, ना वहाँ और अटैकिंग कर सकते वाहन को। तो इस प्रकार का वहाँ पर जो है तैयारी के लिए जहाँ एक गुणवत्ता प्रशिक्षण की पद्धति के अनुसार यहाँ तैयारी कराते हैं। जैसे फर्स्ट अभ्यर्थी यहाँ से क्लियर करता है, सेकंड अभ्यर्थी को कमांड मिलती है जैसे फर्स्ट अभ्यर्थी ने किया था उसी अनुसार सेकंड अभ्यर्थी जो है कंट्रोलिंग करते हुए व्हीकल को, सेकंड फर्स्ट अभ्यर्थी जैसे ये कंट्रोल अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेता है एट ऑप्टिकल से, उस समय जो है सेकंड अभ्यर्थी इसके अंदर में गाड़ी प्रवेश करता है। जैसे टी पार्किंग के अंदर में यहाँ पर गाड़ी लगा देता है फर्स्ट अभ्यर्थी, वो पहले बार सेकंड अभ्यर्थी के लिए बैलेंसिंग के दौरान दूरी को एक मेजरमेंट के अनुसार छोड़ता है कि ताकि सेकंड अभ्यर्थी वहाँ तक आने तक जो है अपनी गाड़ी को पार्किंग वहाँ से पीछे लेके जा सके। जैसे सेकंड अभ्यर्थी यहाँ लगाएगा यहाँ पर ये टेस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग ऑप्टिकलों में अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अभिनव ट्रेनिंग सेंटर जाना जाता है, जो पिछले 8 साल से सिर्फ लगातार ड्राइवरों की भर्ती का ही प्रशिक्षण हमें यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप DSS भी फायर ऑपरेटर ड्राइवर भर्ती में यदि पास हुए हैं तो अवश्य प्रशिक्षण के लिए अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। हमारे मोबाइल नंबर है 7037877474 पर संपर्क करें। दोस्तों आपके वर्दी पहनने के सपने अवश्य साकार होंगे। जय हिंद।